वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट अर्चना। और कुछ दिन पहले मैंने अपने हार्डी और ट्रॉपिकल वाटर लिली की रिपोर्टिंग की थी, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आई बटन पर दे रही हूँ। तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके की फर्टिलाइज़र और किस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग की थी कि इतनी बढ़िया ग्रोथ मेरे वाटर लिली में हो रही है। और सारे के सारे चीज़ मैंने ऑर्गेनिक यूज़ किए थे, कोई भी केमिकल वाले चीज़ यूज़ नहीं किए थे। तो जैसे जैसे इस प्लांट की ग्रोथ होती चली गई, पानी का लेयर ऊपर करते गए हम लोग। अभी रिपोर्ट किया था तभी पानी की मात्रा कम रखा था, और जैसे जैसे ग्रोथ होती चली गई, पत्तियां निकलती चली गई, पानी का लेवल हम लोग ज़्यादा कर दिए। फ्रेंड्स, प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ पत्तियों की संख्या भी बढ़ रही है, तो अब हम यहाँ तक पानी इसमें फिल करने वाले हैं। तो इसमें पानी, इस टैंक में यहाँ तक पानी रखना है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिकल वाटर लिली और हार्डी वाटर लिली इस पॉन्ड में है, और साथ साथ में इसमें मैंने लगाया हुआ है ये पैरट फेदर का प्लांट, आप लोग देख रहे हैं। और देखिए समय के साथ साथ इसमें बर्ड आनी शुरू हो गई है। पिछले सीजन में मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की थी, तो इसमें बर्ड सिर्फ एक आई थी और उसके भी फ्लावर बहुत छोटे से निकले थे, तो इसीलिए विंटर ख़त्म होते ही इसकी रिपोर्टिंग कर दी मैंने। और यही वजह है कि इतनी अच्छे इसकी ग्रोथ हो रही है, और आप देख सकते हैं कि कितनी सारी बर्ड आ रही है। तो ये सब कुछ इसकी फर्टिलाइज़र और रिपोर्टिंग का असर है। पिछले साल मैं वीडियो इसीलिए शेयर नहीं कर पाई, कारण यही था कि फ्लावर बहुत छोटा सा निकला था और मैंने इसका रिपोर्ट नहीं किया था, जबकि इस साल इसकी रिपोर्टिंग की है और एक्स्ट्रा जो बल्ब छोटे छोटे थे उन सभी बल्ब को हटा दिया था, सिर्फ जो बड़े बल्ब थे उन्हें ही इस पॉट में रखा है और पॉट टू पॉट मेथड ही यूज किया है। फ्रेंड्स, पॉट टू पॉट मेथड का मतलब होता है कि एक पॉट में सॉइल भर के और उसमें वाटर लिली को ग्रो किया जाए, और उस पॉट को किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया जाए और उसमें पानी भर दिया जाए। तो ये होता है पॉट टू पॉट मेथड, और इस मेथड से वाटर लिली ग्रो की जाती है और बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। इससे कि सफाई वगैरह करने में, रिपोर्टिंग करने में बहुत ईजी हो जाती है। तो देखिए ये फ्लावर नाइट ब्लूमर है, नाइट में ये खिला है, तकरीबन 8:30 बजे की वीडियो ये है और नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो ये है। तो ये लगभग 8 बजे तक खिले रहते हैं, तेज़ धूप हो जाती है तो इसके फ्लावर बंद हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा भी और भी बर्ड इसमें आ रही हैं। ये देखिए इधर भी बर्ड आई हुई है, और ये देखिए ये हार्डी वाटर लिली की कली है, लिखा है ये डे ब्लूमर है, ये दिन में खिलता है, लेकिन मैं इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है, गर्मियाँ बढ़ रही है। आप सबको भी पता होगा कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हो गई है, मेरा पॉन्ड भी इस नीम की पत्तियों के लिए छोटा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अब तो इतनी ही जगह है तो इन्हें इतने में ही रखना है मुझे। तो इसमें यही करती हूँ कि जो सड़े गले पत्तियाँ हैं उन्हें रिमूव करती रहती हूँ और अच्छी पत्तियों को रखती हूँ। वैसे तो अगर नहीं रिमूव करूँ तो भी वो रॉट होके फर्टिलाइज़र का ही वर्क करेंगे, फिर भी मैं स्पेस के लिए उन्हें हटा देती हूँ और पॉन्ड की क्लीनिंग करती रहती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है इसका। तो ये सब कुछ मेरे फर्टिलाइज़र का ही असर है कि इतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर वाटर लिली के बारे में और कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखा है, आप लोग उस प्लेलिस्ट को चेक करिए और देखिए, मैंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इसके बारे में दिया हुआ है। और देखिए इस वाले पॉट में भी बर्ड निकल रही है, ये देखिए, तो बहुत सारी बर्ड आ रही है। और फर्टिलाइज़र के रूप में मैंने क्या दिया था वो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, रिपोर्टिंग की वीडियो है वाटर लिली के, कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग कर रही है, मैं कोई भी केमिकल वाला फर्टिलाइज़र नहीं देती। और ये देखिए हार्डी वाटर लिली, और ये डे ब्लूमर है लेकिन दिन में इसकी फ्लावरिंग होती है, और ये ट्रॉपिकल वाटर लिली की कली है, नाइट में खिलती है और डे में 9 बजे तक बंद हो जाती है। तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही है और एक के बाद एक करके बहुत सारी कली और बहुत सारे फ्लावर इसमें आते रहे। आप देख सकते हैं ये नाइट में मैंने इसे शूट किया है,
नाइट में 3 फ्लावर एक साथ खिले हुए थे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और एक फ्लावर मुरझाया हुआ जो कि खिल के बंद हो चुका है। 3 दिन के फ्लावरिंग होती है, 3रे दिन के बाद ये फ्लावर फिर नहीं खिलता है। तो 3 दिन बैक टू बैक फ्लावर खिलते हैं, बंद होते हैं, लेकिन इसमें सीड पॉड कभी नहीं बनते हुए देखा है मैंने। तो इस प्लांट का प्रोपोगेशन इसके बल्ब के थ्रू ही होता है। और मैं भी एक छोटा सा बल्ब ही मंगाई थी किसी गांव साइड से, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मुझे इसका बल्ब मिला था। और आज के डेट में अगर कहूँ तो मेरे पास ढेर सारे इसके बल्ब हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसके इतने प्लांट बना सकती हूँ कि मेरे पूरा छत भर जाए और फिर भी बल्ब ख़त्म ना हो, इतने सारे बल्ब इसके से निकले हैं। फ्लावर के अच्छे साइज़ के लिए 8 से 10 इंच के गमले में अगर 1 से 2 बल्ब लगाया जाए तो अच्छी फ्लावरिंग होती है, अच्छे साइज़ के फ्लावर्स निकलते हैं। पिछले साल मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाई जिसके कारण से इसके पॉट में ढेर सारे बल्ब बन गए थे, और यही वजह है कि इसकी फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो पाई। एक ही फ्लावर खिला था, वो भी छोटा सा। तो पिछले साल की गलती इस साल नहीं दोहराया, तो रिजल्ट आपके सामने है फ्रेंड्स। हार्डी वाटर लिली का प्रोपोगेशन सीड के थ्रू होता है, और इसमें 3 दिन के फ्लावरिंग के बाद इसके सीड बन जाते हैं, और उसके सीड मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर 3 दिन के फ्लावरिंग के बाद उसमें सीड पॉड बनने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और हेल्दी ग्रोथ हुई है मेरे प्लांट्स की। देखिए सारे पॉट्स में ये बर्ड आ रहे हैं, और इसे पॉट टू पॉट मेथड से ही मैंने ग्रो किया हुआ है। मतलब कि एक पॉट में लगाकर टैंक में उस पॉट को डिप किया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स भी दीजिए फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।